आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी विकास खंडों में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले इन मेलों में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियां होंगी। वही सोमवार को चरगावां ब्लॉक में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना ने फीता काटकर ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया, जिसमें गोद भराई का रस्म किया गया। जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्वास्थ्य मेला एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण की ओर से चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना समाज के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी अपने समाज और देश के लिए कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श, मोतियाबिंद की जांच, आंख, कान, नाक एवं गले की जांच की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा आयोजन में दंत चिकित्सा जांच, त्वचा की जांच, पोषण के लिए परामर्श, एड्स नियंत्रण के लिए परामर्श, टीवी नियंत्रण, मलेरिया, आंखों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। धूम्रपान और तंबाकू एवं प्रभाव की जांच, नियंत्रण व अन्य विभागों के इलाज संबंधी सेवाएं मिल रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सब तरह की सुविधाएं हैं, करने जा रहे हैं, शुरू किया गया, ढेर सारी तालियां, बधाई माननीय विधायक जी, कृपया आप मंचासीन हो। डॉक्टर धनंजय कुशवाहा साहब, MYC चरगावां, बुके है MYC चरगावां द्वारा माननीय विधायक प्राइज को बुके प्रदान किया गया। निवेदन करूंगा कि मंचा से सभी उधर नीचे कौन सा राहत दी जा रही है। सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया आप इस मेले का लाभ उठाइए और पर्याप्त मात्रा में दवाएं लेकर काउंटर भी है यहाँ पे सर। जनपद में विभिन्न पदों पे रह चुके हैं और इस समय जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका में हैं और सर ने तो बच्चा है बेटा, हाँ कितने महीने का, पिंकी किसका नाम है, 27 जुलाई को आया है, पिंकी 27 जुलाई को महीना आया है नहीं आ पा रहे हैं। ये है नीचे वाला सफेद वाला, इनका गरम पानी करके इतना बना लीजिएगा, दोनों में से कितना महीने का बच्चा है, लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य था कि भारत को 2025 तक जो है टीबी मुक्त कर दिया जाए, इस चीज के फायदे को चिन्हित कर करके उनको डाक की दवा कुछ लोग नियंत्रण। वर्तमान में एक और कार्यक्रम आप लोग सब लोग आ पाए हैं, जाजा के घर पर स्टिकर लगा रही है और जो दस्तक अभियान चल रहा है, जो घर घर जाकर हमारे जो अभियान है काफी तो आप सारे लोगों से पहले सर्टिफिकेट, लेकिन हम लोगों ने सारे लोगों ने लगातार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमृत पीकर लोग अमर हो जाते थे, हम अमृत पिएंगे तो कहां अमर हो पाएंगे। मैं इन सभी लोगों को अपनी तरफ से हृदय से बहुत बहुत अच्छा काम करके ही इस पृथ्वी से जाने के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। के पास में जाकर के अपने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आजादी के 75वें वर्ष में
केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉकों में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, एक मंच ऐसा दिया जाता है कि गांव से सभी लोग यहां पर आकर के जिसको जो भी बीमारी है यहां से आकर के वो अपने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जो है ले सकता है। सही बात तो ये है कि व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और जागरूकता फैलाने के लिए हमारी जो आशा बहने हैं, जो हमारी ANM है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो सहायिका हैं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन ये गांव में करती हैं। बस उसमें थोड़ा सा और उसे ठीक ढंग से हमें करने की ज़रूरत है। जैसा आज यहां पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि यहां पर सब कम से कम यहाँ पर ये ब्लॉक स्तरीय जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर संख्या पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो जागरूकता की कहीं न कहीं कमी है, हमें बता करके लोगों को इस स्थल पर पहुँचाने की ज़रूरत थी। और जब वो आते तो निश्चित है कि वो यहाँ से लाभ प्राप्त करते। केंद्र और प्रदेश की सरकार निरंतर गांव गरीब किसानों के लिए चिंता करती है कि ये जो हमारे बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं। अभी बाबू लाल जी गुप्त ने कहा कि वास्तव में अमृत जब व्यक्ति स्वस्थ है तो निश्चित है कि वह अधिक समय तक इस देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दे सकता है। लेकिन जब शरीर रुग्ण रहेगा, बीमारी से ग्रसित रहेगा, तो कोई काम नहीं कर सकता है। ये कह रहा हूँ, ये टोकरी पीछे करी, उनका चेहरा छुप रहा है। बहुत ज्यादा गुलाब भर पीछे करो, देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव ये हर ब्लॉक में पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में देखिए हर व्यक्ति को स्वस्थ होना समाज के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो अपने समाज के लिए, अपने लिए और देश के लिए कार्य कर सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये मेले का जो आयोजन किया गया है, एक मंच यहाँ दिया गया है। हर मर्ज की यहाँ पर दवा है, हर डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो भी जैसा जिसकी बीमारी है उसके अनुसार वो अपना यहाँ पर परामर्श ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं और यहाँ पर सबको दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। व्यक्ति इस मेले का लाभ ले करके अपने को स्वस्थ कर ले। अपने आप में बहुत बड़ी जो सोच है मोदी जी की, योगी जी की, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अंत्योदय अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। उसी क्रम में ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है।